बलरामपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर जो सनसनीखेज तमंचे से फायर करके घायल करने की घटना हुई थी उसका अनावरण किया है। कोतवाली नगर की टीम इस पर कार्य कर रही थी। जिस व्यक्ति मोहम्मद वसीम को गोली लगी थी उसे उपचार के लिए यहाँ जिला अस्पताल भेजा गया था और वहाँ से उसे बहराइच रेफर किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जो मुकदमा पंजीकृत था वो पहले BNS 109 में पंजीकृत था, फिर उसे तरमीम करके BNS 103/1 में तरमीम किया गया। और ये अभियुक्त जो है वो यहाँ से भाग रहा था। पुलिस की टीम लगातार घेर कर इसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसने पूरा घटना कबूला भी है। और जो कारण निकल के सामने आया है उसमें ये कहे कि दोनों व्यक्ति जो मृतक हैं वो और जो मुलजिम है फरहान वो दोनों दोस्त थे। और उसके पास पैसा था, जो फरहान है इसके पास मृतक का पैसा था, मृतक इससे पैसा मांगा करता था। और ये उस दिन जब दुकान पे ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे तब भी वो पैसा मांग रहा था और इसी में कहा सुनी हुई और आवेश में आके इसने गोली चलाई थी। और इसमें पुलिस ने सभी बरामदगी कर ली है। नए कानूनों का पालन करते हुए पुलिस ने तमंचा जो आला कत्ल है वो बरामद किया है, साथ में मृतक का मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया है और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है जिससे ये भागने का प्रयास कर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।